हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आ गया मैं अपनी न्यू वीडियो लेके और मैं आपसे बात करने वाला हूं आज वीवो के z3i के बारे में। वीवो ने कर दिया इसे लॉन्च चाइना में और मैं आपसे बात करने वाला हूं इसी फोन के बारे में। आप बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को देखिएगा पूरा, कीजिएगा लाइक शेयर एंड प्लीज अगर आप नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब और पुराने हैं तो शेयर कर दीजिए मेरी वीडियो को। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अपडेट और बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं बात करता हूं आपसे इसी फोन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले। जो सैमसंग का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है वो इसमें दिया गया है, जिसका एस्पेक्ट रेशियो है 19:9 का। मतलब इसमें आपको मिलेगा एक वाटर ड्रॉपलेट वाला डिजाइन। और बात करें प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर आपको मिलता है मीडियाटेक का हेलियो P60 ऑक्टाकोर वेज्ड, जिसकी क्लॉक स्पीड दी गई है 2.2 GHz की। और ये मीडियाटेक का हेलियो P60 प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन के 636 से बेटर, जो रेडमी नोट 5 प्रो में दिया गया था उससे भी बेटर प्रोसेसर है ये। और बात करें कैमरे की, तो कैमरा आपको फ्रंट पर मिलता है सेल्फी लवर्स के लिए 24 MP का। वहीं रियर पर आपको मिलता है डुअल रियर कैमरा सेटअप, जिसमें प्राइमरी कैमरा है 16 MP का एंड सेकेंडरी कैमरा है 2 MP का। और इसके बारे में पहले आपको बता ही चुका हूं। बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसमें मिलता है आपको एंड्रॉइड OS 8.1 ओरियो, जो रन करता है वीवो के ही फ्रंट टच OS पे। और उसी के साथ बात करें स्टोरेज की, तो स्टोरेज आपको मिलती है 6GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, जिसे आप बढ़ा सकते हैं जरूरत पड़ने पे 256GB तक अपनी जरूरत के हिसाब से। तो स्टोरेज आपको मिल जाती है बढ़िया। और इसी के साथ बात करें बैटरी की, तो बैटरी आपको मिलती है 3315 mAh की। तो बैटरी में भैया ये फोन निकल गया पीछे और बेकार, क्योंकि बैटरी इससे बढ़िया और मार्केट में आती है। फिर कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी के लिए आपको मिलता है डुअल सिम, 4G वॉयल्टी, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, ये सारी सुविधाएं आपको इस फोन में मिल जाती है। बात करें इसकी प्राइस की, तो इसका एक ही वेरिएंट है 6GB 128GB, जिसकी चाइना में कीमत निकल कर रही है 2398 चीनी युआन, मतलब इंडिया में 25,600 रुपए। फिलहाल के लिए तो ये फोन इंडिया में आया नहीं है, पर अगर ये इंडिया में आता है तो आपको इस फोन को देखने की कोई जरूरत नहीं है, इस फोन को लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे भी बेहतर फोन आपको वीवो V11 मिल जाएगा, या फिर दूसरे रियलमी के फोन है, साउमी के फोन है, उनको देख लीजिए। इस फोन की तरफ आपको अपनी नजर करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा खास नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो बढ़ा दिया हो, बस फोन में थोड़ी सी फेर बदल इधर उधर करके फोन कर दिया तैयार। कुल मिला के आपको इस फोन की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये फोन नहीं है कोई इतना बढ़िया। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, कीजिएगा लाइक शेयर एंड प्लीज मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं तो, पुराने हैं तो शेयर कर ही दीजिएगा। वीडियो में इतना ही, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।